हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद करता हूँ। देवघर चौकीदार की बहाली में जितने छात्र फॉर्म सबमिट किए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं देवघर चौकीदार का, तो वो सभी छात्र जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार अब जो है आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें जो भी चीज़ें मेरे द्वारा बताया जाएगा काफ़ी शॉर्ट टाइम में, वो सभी चीज़ें जो है डायरेक्ट उठ के आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो वही सब चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आइए आज ही से शुरुआत करते हैं। तो देवघर जिला का स्थापना 1 जून 1983 को हुआ था। इसमें प्रखंडों की संख्या 10 है। देवघर, मोहनपुर, सोनारखाड़ी, पालोजोरी, सारठ, सारवा, देवीपुर, मधुपुर, मार्गोमुंडा, कौरों। और ये बुक जो है मेरे द्वारा लिखित बुक है, तो इस बुक को मैं अच्छे ढंग से जान रहा हूँ और कहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं ये भी मुझे अच्छे ढंग से पता है, क्योंकि मैंने बेहतर ढंग से एनालिसिस किया है। और रामगढ़ जो चौकीदार की परीक्षाएँ हुई उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके डायरेक्ट प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में छपेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रखंडों की संख्या 10 है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा इस प्रखंड में कितने पंचायत हैं इसका भी जिक्र यहाँ पर मैं थोड़ा कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये बुक मेरे द्वारा लिखित बुक है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ये देवघर जिला में आपको बुक स्टोर पे मिल जाएंगे, जितने भी बुक स्टोर हैं आप ले सकते हैं। जामताड़ा जिला में भी बुक आ गया है, तो जामताड़ा जिला में भी आप जाके पता कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं। देवघर जिला में पंचायत कितने हैं, तो 23 हैं। मधुपुर में कितने हैं, 21 हैं। सोनारखाड़ी में 12 पंचायत हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देवीपुर में 17 पंचायत हैं, सारठ में 27 हैं, करों में 14 हैं, मोहनपुर में 28 हैं, पालोजोरी में 25 हैं, सारवा में 14 है, और मार्गोमुंडा में जो है वो 13 पंचायत आपके हैं। टोटल 10 ब्लॉक हैं और पंचायत की संख्या 194 है। इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, प्रखंड कितना है, प्रखंड ब्लॉक वही है 10, और पंचायत कितना है 194। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है डायरेक्ट आपके प्रश्न उठ के आने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको लगातार शॉर्ट टाइम में मिलता रहेगा, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।